हाय गाइस, तो क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। और इसी के साथ सीधे आते हैं टॉपिक पर। मैं हूँ आपका दोस्त योग मिश्र प्रशांत। तो जैसे कि नेटवर्क कवरेज की प्रॉब्लम आजकल चल रही है, आप लोग सभी जानते होंगे, ये सीधे सीधे MSS टू टेलीकॉम कंपनीज़। तो जैसे कि हम सब ने अलग अलग दौर में अलग अलग कंपनीज़ के नेटवर्कों को यूज़ करा है, जैसे टाटा डोकोमो, रिलायंस, यूनिनॉर, जो बाद में टेलीनॉर हुआ, और आपके वोडाफोन, आइडिया, BSNL, सब ने अलग अलग नेटवर्क यूज़ करे। इस समय पर जो मेन चल रहे हैं वो है आपके आइडिया वोडाफोन, जो कि अब VI हो चुका है, और आपके जियो 4G और एयरटेल, ये आपके कुछ नेटवर्क मेन चल रहे हैं। लेकिन इस समय जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लोगों को, वो आती है नेटवर्क कवरेज की मोस्टली। हालांकि ये हो सकता है, देखिए पहली बात मुझे लगता है कि इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन कहना और कोशिश करना अपना फ़र्ज़ है एक ज़िम्मेदार कस्टमर होने के नाते। और बात आती है कहने की, तो मैं किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा, किसी की बुराई नहीं, जो ओरिजिनल फैक्ट है वही आपके सामने है। ये फ़र्क पड़ सकता है एरिया वाइज़ कि अलग अलग कंपनी का अलग अलग नेटवर्क कवरेज एरिया होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ज़्यादा ही फेस करना पड़ता है। सबसे पहले कॉल ड्रॉप की समस्या, दूसरी कि कॉल कनेक्ट नहीं होगी, और अगर कनेक्ट हो गई तो आवाज़ नहीं जाएगी एक पार्टी से दूसरी पार्टी को। कभी कभी आवाज़ जाएगी तो बीच में ही कट जाती है, और कॉल चलेगी तो कभी कभी बीच से ही आवाज़ गायब हो जाती है। इस तरीके की समस्याएं आती रहती हैं। और बीच में एक नई समस्या हुई थी, आप एक ही नंबर पर कॉल मिलाएंगे, सपोज़ करिए अगर आप मुझे कॉल मिलाना है तो नंबर मेरा होगा लेकिन कॉल किसी और से जाके कनेक्ट होगी। इसकी भी मैंने कंप्लेंट वगैरह करी थी, हालांकि इसमें कुछ हुआ नहीं खास, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि CC आपके जो कस्टमर के एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके पास लिमिटेड जानकारियाँ होती हैं। अदरवाइज़ अगर आप उनसे चाहें कि फ्रिक्वेंसी क्या है, और आपके जो हो सकता है कि कुछ जानकारी कॉन्फिडेंशियल होती है, तो अगर अदर अदरवाइज़ आप कुछ जानना चाहें कि कितनी स्पीड मुहैया हो रही है कितनी नहीं, तो उसमें तो खैर समस्या का सामना करना ही पड़ता है क्योंकि उनके पास लिमिटेड जानकारियां हैं। लेकिन इस हिसाब से अगर नेटवर्क बेहतर नहीं होंगे तो समस्या तो सभी को ही झेलनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी में नेटवर्क नहीं लगता है, कभी कभी आता ही नहीं है, और इतने कंप्लेंट करने के बाद में भी कोई इसका समाधान नहीं होता है, तो कस्टमर पोर्ट की ओर भागते हैं। हालांकि पोर्ट भी एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन है। अगर किसी नेटवर्क कंपनी का सॉरी किसी कंपनी का नेटवर्क बेहतर है तो भले ही वो उसके लिए परमानेंट सोल्यूशन हो जाए, लेकिन ये समस्या आती जाती रहती है, तो इसको कंपनियों को ही सुधारना पड़ेगा। हालांकि यूज़र ज़्यादा हैं, यह समस्या ज़्यादा है, ये कहकर कंपनियां कह तो देती हैं, लेकिन देखना तो सब पड़ेगा ही। अब हर एक को, कस्टमर भी अपने लेवल पर एडजस्ट करता है, लेकिन कंपनी को भी ये चीज़ समझनी चाहिए। और बाकी यही है डायरेक्टली कि जो कंपनी के कवरेज की प्रॉब्लम इस समय आ रही है इंटरनेट वगैरह की, वो बेहतर हो तो और भी बेहतर है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए तो बातें बहुत हैं, अभी के लिए यही काफ़ी थी। देखते हैं आई कदा, लेट्स गो।